आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है, कथन में बोला गया है बिलाय का हिमांक बिलियन से अधिक होता है। तो चलिए देख लेते हैं बिलाय का हिमांक। हिमांक का मतलब क्या होता है कि जब किसी शुद्ध बिलायक में अवाष्पशील बिलेय पदार्थ मिलाते हैं तो जो शुद्ध बिलाय का हिमांक था उससे कम हो जाता है, और जितना का अंतर आता है उस अंतर को क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। तो हिमांक बिंदु क्या होगा कि जिस ताप पर वैसा पदार्थ जब ताप पर किसी पदार्थ का हिमांक क्या होगा, वो एक वैसा तापमान जहां पर ठोस अवस्था और द्रव प्रवस्था दोनों क्या होता है, साम्य अवस्था में आ जाए, ठोस और द्रव दोनों एक ही समान अवस्था में आ जाता है तो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं, ठीक है। और एक बिलियन जमता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, हिमांक बिंदु पर एक पदार्थ की ठोस व द्रव प्रवस्था साम्य में होती है। एक बिलियन जमता है जब इसका वाष्प दाब शुद्ध ठोस बिलाय के वाष्प दाब के बराबर होता है, यानी ठोस और द्रव दोनों क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा, और बिलियन का हिमांक बिलय से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है वो भी देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या होता है कि जब अवाष्पशील ठोस को बिलायक में मिलाया जाता है, देखिए जब अवाष्पशील ठोस पदार्थ को बिलायक में मिलाया जाता है तब इसका वाष्प दाब घटता है और निम्न ताप पर बिलायक के समान हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बिलायक का हिमांक बिलियन के हिमांक से अधिक होता है, बिलायक का हिमांक बिलियन के हिमांक से अधिक होता है, और इसमें जो अंतर आएगा वो क्या बताएगा, हिमांक का अवनमन टीएफ नॉट क्या है, ये बिलायक का हिमांक है, शुद्ध बिलायक का हिमांक, और टीएफ क्या है, ये बिलियन का हिमांक होता है, और जो दोनों में अंतर आएगा वो क्या आएगा, हिमांक में अवनमन होगा, यानी शुद्ध बिलायक का हिमांक बिलियन से क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए कथन में बोला गया है बिलायक का हिमांक बिलियन से अधिक होता है, सही बोला गया है। कारण में बोला गया है जब बिलायक में अवाष्पशील बिलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है, अरे यार वाष्प दाब बढ़ता कैसे है, वाष्प दाब घटता है और निम्न ताप पर ये दोनों समान हो जाता है, तो ये वाष्प दाब बढ़ता है ये गलत हो गया, ये वाष्प दाब बढ़ता नहीं है घटता है। तो पहला कथन सही है और कारण गलत है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।